पीसफुल वॉरियर मूवी डैन विलमन की जिंदगी की सच्ची कहानी है। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम था पीसफुल वॉरियर और उसी किताब पर यह मूवी बनी है। तो मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि डैन विलमन को अक्सर एक सपना आता है जिसमें उनका पैर टूट जाता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने दोनों पैरों में अलग अलग जूते पहने हुए हैं। यह सपना डैन विलमन को अक्सर आता है और आज भी डैन विलमन को ये सपना आया और वो घबरा के उठ जाते हैं और रेसलेस हो जाते हैं और वो घर से बाहर चले जाते हैं और पास ही एक गैस स्टेशन होता है वहाँ पर चले जाते हैं क्योंकि गैस स्टेशन में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिलते हैं। डैन विलमन वहाँ से कुछ लेते हैं और जैसे ही जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके पैरों पे अलग अलग जूते हैं और वो वही आदमी है जो डैन विलमन को अक्सर सपने में दिखता था। डैन उसको बोलता है कि आपके दोनों पैरों में अलग अलग जूते हैं। वो कहता है हाँ मुझे पता है, एक जूता दूसरे जूते से बहुत पुराना है। अब ये कह के डैन विलमन चला जाता है और वो बूढ़ा आदमी भी उसके पीछे जाकर गेट के सामने एक कुर्सी होती है उस पर बैठ जाता है। डैन उसको देखता है और दो कदम आगे चलता है और पीछे मुड़ के देखता है वो आदमी कुर्सी में नहीं होता बल्कि छत पे खड़ा होता है और छत एक स्ट्रेट वॉल होती है 12 फीट की और वो 12 फीट ऊपर 2 सेकंड में पहुंच जाता है। डैन बोलता है कि तुम ऊपर कैसे गए। वो ओल्ड आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और डैन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डैन जिमनास्ट की प्रैक्टिस के लिए जाता है। अब जिमनास्ट की प्रैक्टिस में डैन एक ऐसी फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा होता है जो बैक टू बैक 3 होती है और आज से पहले वो किसी भी जिमनास्ट ने नहीं मारी होती है। उसे करते हुए डैन पहले भी कई बार गिर चुका है और आज भी गिर जाता है। उसका कोच बोलता है कि तुम अपने गेम में बहुत अच्छे हो लेकिन तुम अगर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे तो तुम अपने आप को हर्ट कर दोगे, और उसको समझाता है कि ये सब मत करो, कंपटीशन आने वाला है। डैन पीछे एक दीवार देखता है, उसको कल रात की बात याद आती है कि कैसे वो ओल्ड मैन ने इतनी ऊंची छलांग लगाई 12 फीट की और वो भी स्ट्रेट वॉल पे। अब उसी रात को डैन दोबारा से उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया था। ये 10 से 12 फीट ऊंची दीवार है और मैं एक जिमनास्ट हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई भी ह्यूमन इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। वो ओल्ड मैन उसे कहता है कि एंसेंट स्पार्टा जो थे वो भी जिमनास्ट थे और वो ऐसे बहुत से कुछ चीज़ें करते थे जो तुम नहीं जानते। वो कहता है जितना तुम सोचते हो मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। वो ओल्ड मैन उससे कहता है जितना तुम जानते हो उससे तुम ज़्यादा सोचते हो। डैन उससे बोलता है कि चलो तुम मुझसे पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं जवाब दूंगा। अब वो ओल्ड मैन उससे पूछता है क्या तुम खुश हो। वो कहता है हाँ, मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा जिमनास्ट हूँ, लड़कियाँ मुझ पर मरती है, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो ओल्ड मैन उससे बोलता है कि कल रात को 3 बजे तुम यहाँ पर आए थे और आज रात भी, यानी कि बैक टू बैक 2 रातें, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती। वो कहता है ये ट्रिकी क्वेश्चन है। वो कहता है नहीं। फिर ओल्ड मैन उससे बोलता है कि एक और क्वेश्चन, अगर तुम जिमनास्ट नहीं होते तो तुम क्या होते। इस बात से विलमन को थोड़ा अजीब लगता है, क्या फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं होता है। दरअसल वो हल्का सा उसके अंदर सेंस ऑफ फियर आ गया था और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो सो रहा होता है तो दोबारा वो ओल्ड आदमी उसके सपनों में आता है और वो एकदम से उठ जाता है और फिर दोबारा से वो गैस स्टेशन पे जाता है, उससे कुछ बातें करता है, कहता है कि अच्छा तुम इतने टैलेंटेड हो तो गैस स्टेशन में काम क्यों करते हो। वो ओल्ड आदमी उससे कहता है कि ये एक सर्विस स्टेशन है और हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नो हायर पर्पस। वो कहता है पंपिंग है गैस। वो ओल्ड आदमी कहता है सर्विस टू अदर्स। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो खाने के लिए कुछ सामान लेके आती है डैन विलमन के लिए और उस ओल्ड मैन के लिए। इस लड़की का नाम जोए है और आगे चल के डैन की इससे शादी भी होती है रियल लाइफ में भी। अब वो खाना रख के चली जाती है। डैन और वो बूढ़ा आदमी खाना खाना शुरू करते हैं। अब डैन बहुत जल्दी जल्दी खा रहा होता है।
तब वो ओल्ड मैन उसे बोलता है कि आराम से खाओ, एटलीस्ट उसे फील करो, टेस्ट को फील करो। डैन उसे बोलता है कि खाने का एक रूल होता है कि कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे ऐसे फालतू के बहुत सारे रूल्स होंगे। वो ओल्ड मैन उसे बोलता है कि मेरा कोई रूल्स नहीं, बस मैंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखा है। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि तुम एक बात तो मानते हो ना कि जो तुम खाते हो, जो तुम एक्सरसाइज करते हो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है। डैन बोलता है कि हाँ। तो वो स्क्वाट पोजीशन में आता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे कितनी देर खड़े रह सकते हो। वो कहता है तुम बताओ। कहता है कि 5 मिनट। अब डैन उस स्क्वाट पोजीशन में खड़ा हो जाता है और वो ओल्ड मैन बाहर चला जाता है और अपने काम में बिजी हो जाता है। अब 2 मिनट 3 मिनट के बाद बार बार डैन उससे टाइम पूछता है कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम रह गया, लेकिन ओल्ड मैन उसे कोई जवाब नहीं देता। और कुछ देर के बाद डैन गिर जाता है। अब डैन वहाँ से जाने लगता है। ओल्ड मैन उसे बोलता है हर कोई तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। लोग तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं ढूंढने देते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि तुम उन पर विश्वास करो। डैन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम भी यही चाहते हो। ओल्ड मैन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम बाहरी दुनिया से ना सीखकर अपने आप से, अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर सीखो। डैन बोलता है तुम क्या क्यों सत्संग चलाते हो। ओल्ड मैन बोलता है लोगों के जो अंदर होता है उससे डरते हैं, तुम रात को क्यों नहीं सो पाते, शायद इसलिए कि उस वक्त तुम अकेले होते हो, तुम्हारे चारों तरफ कोई नहीं होता। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम्हें एक ऐसा वॉरियर बनाऊंगा जो अपनी बॉडी और माइंड को ऐसे कंट्रोल में रख कर यूज करेगा जैसे पहले किसी ने नहीं किया होगा। उसके बाद डैन वहाँ से चला जाता है। वो अगले दिन जिमनास्ट की प्रैक्टिस के लिए पहुँचता है। वहाँ पर उसी का एक फ्रेंड होता है जो गिर जाता है और उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है और अब वो गेम्स में क्वालिफाई नहीं कर सकता। इस बात से सब परेशान होते हैं क्योंकि जिस पर वो जिमनास्टिक करता है वो सिर्फ वही करता है और वो अपनी आर्ट में बहुत अच्छा होता है। अब रात को डैन दोबारा ओल्ड मैन के पास जाता है। ओल्ड मैन एक गाड़ी ठीक कर रहा होता है, डैन से नट बोल्ट खोलने की चाबी मांगता है। वो चाबी उसकी तरफ फेंकता है और वो ओल्ड मैन बिना चाबी की तरफ देखे उसे पकड़ लेता है। डैन ये देखकर हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन एक और चाबी उससे मांगता है। डैन इस बार जानबूझकर उसे और भी साइड फेंकता है ताकि वो ना पकड़ पाए, लेकिन इस बार भी ओल्ड मैन उसे पकड़ लेता है। अब वो अपना काम ख़त्म करके चाबी डैन की तरफ वापस फेंकता है आराम से, पर डैन उसे नहीं पकड़ पाता। अब वो ओल्ड मैन डैन के पास आता है और उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें 10 बक्स दूंगा। डैन बोलता है तुम इतने बूढ़े हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ओल्ड मैन उसे थप्पड़ मारता रहता है। डैन को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे पंच मारता है, पर इससे पहले कि डैन का हाथ ओल्ड मैन तक पहुँचता डैन जमीन पर नीचे गिरा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि तुमने देखा शक्ति का सही इस्तेमाल करना कितना इफेक्टिव होता है, यही ट्रेनिंग है, ज़िंदगी भी इसी तरह से जीने का नाम है। अपनी शक्ति को सही जगह और सही समय पर यूज करने का ज्ञान। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसे निकाल दो, यही ट्रेनिंग का पहला पार्ट है। डैन बोलता है कि ये कैसे करूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि कल तुम मुझे कैंपस में मिलना। अगले दिन वो आता है, पर थोड़ा सा वो लेट हो जाता है और वो आते ही उसे कई बातें बोलने लगता है कि मैं इन कारणों से लेट हो गया। वो ब्रिज पर खड़ा होता है, ओल्ड मैन कुछ नहीं बोलता और उसे उठाकर ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देता। डैन बहुत गुस्सा हो जाता है और ऊपर आता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे पानी में क्यों फेंका। ओल्ड मैन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पानी में फेंका तब तुम क्या सोच रहे थे। वो बोलता है पता नहीं। ओल्ड मैन कहता है कि जब मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया तब तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, तुम 100% प्रेजेंट में थे। डैन को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि क्या हम कोई मार्शल आर्ट का कोई मूव सीखने के लिए आए हैं।
वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारे माइंड में फिर दोबारा से थॉट्स आना शुरू हो गया है, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। वो उसे ट्रिक समझाता है कि प्रेजेंट में कैसे रहा जाता है और डैन को समझ में आ जाता है। उसके बाद उसके आसपास जो भी चल रहा होता है डैन को सब कुछ महसूस हो रहा होता है, वो समझ जाता है कि प्रेजेंट में रहना क्या होता है। उसके बाद अगले दिन डैन प्रैक्टिस पर जाता है और डैन के जिस दोस्त की कलाई टूट गई थी अब उसकी जगह परफॉर्म कौन करेगा, सब एक एक करके ट्राई कर रहे होते हैं। डैन वहाँ पहुँचता है, डैन बोलता है कि मैं ट्राई करता हूँ, और अब वो उस ओल्ड मैन की टेक्निक को यूज करता है और डैन उस बार पे इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि सब हैरान रह जाते हैं। डैन भी शॉक्ड हो जाता है कि मैंने क्या किया। डैन का कोच बोलता है कि तुम कौन से दुनिया से आए हो। अब डैन वापस से ओल्ड मैन के पास जाता है और बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम्हें देखना चाहिए था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, सबके मुंह उतर गए थे, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ओल्ड मैन इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा, तुमने दोबारा पास्ट में चले गए, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। ओल्ड मैन बोलता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म, तुम कल आना। डैन चला जाता है। अगले दिन वो आता है। अब ओल्ड मैन डैन से ट्रेनिंग की जगह क्या करवाता है, टॉयलेट साफ करवाता है, झाड़ू लगवाता है, पोछा लगवाता है और रोज़ ये करवाता है। और अब इसके साथ साथ डैन की गेम भी खराब होना शुरू हो जाती है और एक दिन उसका कोच उसे बहुत डांटता है। डैन अब बहुत गुस्सा हो जाता है और ओल्ड मैन के पास जाता है, कहता है कि तुम किस तरह की ट्रेनिंग करवा रहे हो, किस तरह का वॉरियर ट्रेन कर रहे हो, टॉयलेट साफ करवाते हो, झाड़ू लगवाते हो, पोछा लगवाते हो। कहता है कि मैं अपनी पहले की ज़िंदगी में ठीक था। और वो ओल्ड मैन से लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। अब डैन अपनी पहले की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है, उसकी गेम भी सुधर जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। एक दिन डैन बाइक पर जा रहा होता है और बाइक बहुत स्पीड से चला रहा होता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डैन की फीवर बोन, जो पैर की हड्डी होती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है और डॉक्टर बोलता है कि अब ये कभी भी जिमनास्ट नहीं कर पाएगा। इस बात से डैन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि डैन के लिए उसकी गेम ही सब कुछ होती है। एक दिन डैन कॉलेज के कैंपस में अकेला उदास बैठा होता है, तभी वहाँ पे जोए आती है, वही लड़की जो उसके लिए और ओल्ड मैन के लिए एक बार खाना लेके आई थी। डैन बोलता है कि सौ कटीज कैसा है। दरअसल वो ओल्ड मैन को सौ कटीज बोलता था। जोए बोलती है कि तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते। वो कोई जवाब नहीं देता। जोए बोलती है कि वो तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए थे। डैन बोलता है कि सच। वो कहती है हाँ। तब डैन उससे मिलने के लिए जाता है। अब डैन ओल्ड मैन के पास जाता है। ओल्ड मैन गाड़ी ठीक कर रहा होता है और डैन को स्टेयरिंग पे बैठा देता है। वो उसे कुछ काम देता है। डैन को रोना आ जाता है। डैन बोलता है कि शायद मुझे रोना नहीं चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है कि इमोशंस नेचुरल होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। डैन बोलता है कि मैं जिस काम के लिए पैदा हुआ था, जो मैं करना चाहता था ज़िंदगी में, अब मैं वो नहीं कर पाऊँगा, तो मैं क्या करूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का पर्पस होता है और इसका भी कोई पर्पस होगा, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे ढूंढ पाते हो कि नहीं। ओल्ड मैन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग दूसरे तरीके से करवाऊँगा, तुम्हें तुम्हारे अंदर से खुद आंसर ढूंढने पड़ेंगे। वो उसे एक गाड़ी दिखाता है और उसे गाड़ी के पास ले जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, तब तक बैठे रहो जब तक तुम्हें तुम्हारे आंसर नहीं मिल जाते तुम्हारे अंदर से, और जो भी तुम्हारे अंदर से तुम्हें आंसर मिलेंगे तुम उसे मुझे बताओगे। और ये कह के ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। अब डैन के अंदर से जो भी जवाब मिलते हैं बार बार आके उस ओल्ड मैन को बताता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि जो आंसर वो चाहता था वो उसको नहीं मिल रहा था। एक बार डैन उसे ये भी बताता है कि जिस इंसान को प्यार करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये आंसर भी ओल्ड मैन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसके बाद एक दिन मॉर्निंग में डैन वहाँ पर बैठा होता है कि वहाँ पर एक लड़का और लड़की आता है। वो उन्हें ध्यान से देखता है, उसे लगता है कि हर एक पल जिंदगी में खास होता है, और वो ओल्ड मैन के पास जाता है। डैन बोलता है कि इस दुनिया पे कोई भी साधारण पल नहीं होते, हर एक पल खास होता है। इस बात से ओल्ड मैन इम्प्रेस हो जाता है और ये वही आंसर होता है जो ओल्ड मैन डैन से चाहता था। इसके बाद ओल्ड मैन
और डैन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर ओल्ड मैन सिगार पीता है, दारू पीता है और वो सब कुछ करता है जिसके लिए उसने डैन को मना किया होता है। ये सब देखकर डैन बड़ा हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है कि हैबिट इज़ द प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ की लत लगा लेना, उसकी आदत पाल लेना ये प्रॉब्लम है, वंस इन ए वाइल कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ड्रंक होकर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 3 चोर मिलते हैं और वो उनसे उनकी वॉलेट मांगते हैं। ओल्ड मैन उसे वॉलेट दे देता है। डैन को लगता है कि ये तो बहुत पावरफुल है, अब ये इन्हें मारेगा, लेकिन ओल्ड मैन ऐसा कुछ नहीं करता। वो दोनों अपने वॉलेट दे देते हैं और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन उन्हें रोकता है और उन्हें बोलता है कि तुम हमारी घड़ियाँ लेना भूल गए। वो वापस आते हैं। हाँ घड़ियाँ, वो कहता है, मेरे पास तो नहीं है लेकिन डैन की घड़ी बहुत अच्छी है। डैन उसको हैरानी से देखता है, उसको लगता है कि अब ये कुछ करेगा। डैन उसे अपनी घड़ी दे देता है। जब वो जाने लगते हैं तो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम हमारी जैकेट लेना भूल गए। वो कहता है, हमें तुम्हारी जैकेट नहीं चाहिए। ओल्ड मैन अपनी जैकेट उतार के बोलता है कि बहुत अच्छी जैकेट है, ले लो। तो उनमें से एक बोलता है कि हाँ मैं ले लूँगा, ये बहुत अच्छी जैकेट है। वो ऐसे करते करते धीरे धीरे जूते चप्पल सब कुछ उन्हें दे देते हैं और अब डैन और वो ओल्ड मैन शॉर्ट्स में और सैंडों में, उनके पास ना तो जूते हैं, ना चप्पल, ना घड़ी, कुछ नहीं है। डैन बोलता है कि तुम उन्हें मार सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? ओल्ड मैन कहता है कि भूल गए, जिस इंसान को प्यार करना सबसे मुश्किल होता है उसी को प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। डैन को अब तक बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका होता है और वो अपने पुराने दोस्तों के पास जाता है जिनके साथ डैन का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, और डैन उनसे सॉरी बोलता है। हालांकि वो डैन के ऊपर हंसते हैं लेकिन डैन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैन ओल्ड मैन के पास वापस आता है और वो कहता है कि मैं अपनी पुरानी सारी चीज़ों से अब छुटकारा पा चुका हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को हायर पर्पस के लिए डिवोट करने के लिए तैयार हूँ। ओल्ड मैन बोलता है कि क्या? कहता है, सर्विस टू अदर, मतलब दूसरों की मदद करना, दूसरों की सर्विस के लिए। ओल्ड मैन बोलता है कि फिर तुम्हें तुम्हारे जिमनास्ट की प्रैक्टिस दोबारा शुरू करनी चाहिए। डैन बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, मेरा पैर देख रहे हो, ठीक से चल नहीं पाता हूँ, लकड़ी के सहारे लेके चलता हूँ, और तुम बोल रहे हो कि जिमनास्ट दोबारा करूँ। ओल्ड मैन कहता है कि वॉरियर कभी भी उन चीज़ों से हार नहीं मानता जिन्हें वो प्यार करता है, और जिन चीज़ों को वो करता है उनमें वो प्यार ढूंढ लेता है। इसके बाद वो डैन की प्रैक्टिस दोबारा से शुरू करवाता है। दरअसल उसने अपने गैस स्टेशन के पीछे ही डैन के लिए सब कुछ अरेंज करके रखा होता है जहाँ पे डैन प्रैक्टिस कर सके। अब डैन प्रैक्टिस करना शुरू करता है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो पहले की तरह दोबारा से परफॉर्म करने लग जाता है। वो बहुत मेहनत करता है और जब उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो पहले की तरह परफॉर्म कर सकता है, तो वो अपने कोच के पास जाता है और कहता है, मैं दोबारा से गेम में आना चाहता हूँ। लेकिन उसका कोच मना कर देता है क्योंकि कोच के पास डॉक्टर की रिपोर्ट होती है, उनमें साफ साफ लिखा होता है कि ये दोबारा कभी भी जिमनास्ट नहीं कर सकता। अब वो ओल्ड मैन के पास जाता है, बड़ा ही डिसअपॉइंट होता है। ओल्ड मैन उससे बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलता है कि मेरे कोच ने मुझे टीम में लेने से इनकार कर दिया। तो वो कहता है, प्रॉब्लम क्या है? ऊपर रिंग्स है, मैंने तुम्हारे लिए पीछे रिंग्स लगाई है, तुम प्रैक्टिस करो, तुम तो उससे प्यार करते हो। कहता है, लेकिन व्हाट अबाउट द गोल? मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। ओल्ड मैन कहता है कि गोल्ड मेडल तो बस एक क्रैविंग है, वॉरियर सिर्फ वही करते हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं। लेकिन कहता है कि मेरा एक सपना था जिंदगी में गोल्ड जीतूं। इसके बाद डैन को लगता है कि जो कुछ भी उसने सीखा था वो सब कुछ खो दिया है। वो ओल्ड मैन को सॉरी बोलता है और बाहर जाता है और उसी गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है जहाँ बैठकर उसने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढे थे। ओल्ड मैन उसके पास जाता है, कहता है कि कल सुबह तुम अपने हाइकिंग के शूज़ लेके आना, मैं तुम्हें एक जगह पर लेके जाऊंगा। जब तुम पहली रात को यहाँ पर आए थे तब से मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाने के लिए सोच रहा हूँ, तुम कल आना, हम सुबह चलेंगे। ओल्ड मैन बोलता है कि बहुत लंबी हाइकिंग होगी लेकिन अब फाइनली तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो। और अगले सुबह वो उस सफ़र पर निकल पड़ते हैं। वो कई घंटों तक वॉक करते हैं और पूरे सफ़र में डैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है।
उसे लगता है कि आज उसे कोई नई शक्ति मिलने वाली है, कोई नया विजडम मिलने वाला है और फाइनली वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। ओल्ड मैन बोलता है, हम पहुंच गए। डैन चारों तरफ देखता है, कुछ नहीं होता। वो बोलता है, क्या? वो कहता है, तुम ढूंढो। डैन चारों तरफ देखता है और उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो सोच कर बोलता है कि द व्यू, मतलब जो नज़ारा दिख रहा है ये देखने के लिए आए हैं? वो कहता है, नहीं। कहता है, तुम्हारे पैर के पास। वो नीचे अपने पैर के पास देखता है तो वहाँ पर एक फूल और एक पत्थर होता है। वो कहता है, फूल। वो कहता है, नहीं। ओल्ड मैन कहता है, द रॉक, वो पत्थर। वो कहता है, इस पत्थर में कोई खास बात है? ये तो एक नॉर्मल पत्थर है। वो कहता है, पिछले 3 घंटे से हम स्ट्रगल करके धक्के खाते हुए यहाँ पर आए हैं इस पत्थर को देखने के लिए। वो कहता है कि पूरे सफ़र में तुम बड़े खुश थे, बड़े एक्साइटेड थे, अब तुम खुश नहीं हो तो मैं क्या करूँ? वो कहता है, मुझे लगा कि कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने वाले हैं, इसलिए मैं खुश था। ओल्ड मैन बोलता है कि शायद मुझे तुम्हें सफ़र में निकलने से पहले ही बता देना चाहिए था कि वहाँ सिर्फ पत्थर है और कुछ भी नहीं। ओल्ड मैन उस पत्थर को उठाता है, डैन के हाथ में रखता है और कहता है कि सॉरी, अब तुम खुश नहीं हो, और ये कहते हुए आगे निकल जाता है। डैन उस पत्थर को देखता है और कहता है, द जर्नी, जर्नी इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट द डेस्टिनी, मतलब ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इम्पोर्टेंट है, आपकी मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं है। जर्नी ब्रिंग्स हैप्पीनेस, मतलब जो जर्नी होती है, ज़िंदगी का सफ़र होता है, वो खुशियाँ लाती है, नॉट द डेस्टिनेशन, बल्कि मंजिल नहीं। और उसके बाद अगले दिन डैन उस जगह पर जाता है जहाँ पर सब जिमनास्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो अपने बार पे जाने के लिए तैयार होता है, उसका कोच उसे मना करता है, लेकिन वो उस बार पे जाता है और वहाँ पे परफॉर्म करता है, और वो इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि उसका कोच और बाकी के सारे दोस्त देखते रह जाते हैं और वो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब आने वाले कंपटीशन में, जिसकी वो इतने लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, उसमें डैन भी जाएगा। अब डैन और उसके सारे दोस्त वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। अब वो पल आता है जिसका सबको इंतज़ार था। डैन की बारी आती है। डैन ऊपर रिंग्स में परफॉर्म करने के लिए जाता है। अपनी सारे मूव्स बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है और वो एक मूव में रुक जाता है, स्टेबल हो जाता है और उसको ओल्ड मैन की आवाज़ आती है, वेयर आर यू डैन, तुम कहाँ हो? डैन बोलता है, हेयर। बोलता है, व्हाट टाइम इज इट, मतलब ये कौन सा वक्त है? वो कहता है, नाउ, अभी। कहता है, व्हाट आर यू, तुम क्या हो? कहता है, दिस मोमेंट। और उसके बाद डैन वो 3 flips बैक टू बैक मारता है, जिसकी वो बार बार प्रैक्टिस करता और बार बार गिर जाता है, और उसका कोच वो करने से मना करता है, जो इस दुनिया में पहले किसी ने भी नहीं की होती है। और डैन वो वाली फ्लिप्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है, जिसे देखकर सारे जजेस हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद डैन अपना गेम ख़त्म करके नीचे उतर जाता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।